पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के 5 जवानों के परिजनों को आज श्री सीमेंट कंपनी की ओर से 5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक हरिमोहन बांगड़ ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए अजमेर के सीआरपीएफ GC1 में समारोह के दौरान शहीद जवान के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि बांटी। इसके साथ ही सीआरपीएफ वेलफेयर फंड की ओर से जवानों के बच्चों को उचित शिक्षा मिले इसके लिए 11 लाख का चेक हर बच्चे को दिया गया है। इस मौके पर सीआरपीएफ GC1 के DIG अनिल डोडियाल, कमांडेंट भरत कुमार वैष्णव, श्री सीमेंट के अधिकारी विनय सक्सेना, नीरज शर्मा, श्याम शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों के परिजनों को चेक बांटे। सेंट्रल वेलफेयर फंड CRPF की तरफ से जो हमारे पुलवामा के शहीद जवान थे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 1 लाख के फिक्स डिपॉजिट सभी बच्चों को, पर बच्चे जितने भी बच्चे हैं सबको CRPF की तरफ से ये पैसा आया है सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से, जिसका आज हम लोगों ने वितरण किया है। श्री सीमेंट ने हमें अप्रोच किया था पुलवामा हमले के तुरंत बाद, तो आज उन्होंने भी 5-5 लाख रुपये शहीद के परिवारों को समर्पित किए हैं। श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए बहुत जानी पहचानी जाती है। जिस तरह से इन्होंने उद्योग में प्रगति करी है उसी तरह से इन्होंने सामाजिक जो सरोकार के काम है उसके अंदर में भी लगातार अपनी भागीदारी बना के रखी है। उसी समय पे हमारे जो शीर्ष प्रबंधन था उसने राजस्थान के जो भी शहीद हैं CRPF के उनके लिए 5-5 लाख रुपये की एक सहायता राशि की घोषणा करी थी, और मेरा सौभाग्य है, हमारी टीम का सौभाग्य है कि हम वही सहायता राशि उन 5 शहीद परिवारों को यहाँ देने के लिए आज उपस्थित हैं।